My dear friends, you are watching my YouTube channel Education Perfect Professional. Please subscribe it, like and share it. अगर कोई वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर उसकी फीडबैक भी दें और आप ज़रूर सारी प्रोफाइल को भी चेक करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ सीखना चाहते हैं या ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो यू कैन शेयर विद अस. और क्योंकि एजुकेशन परफेक्ट प्रोफेशनल काफ़ी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, इसमें हम लोकेशंस को और इसके अलावा एजुकेशन को, डेकोरेशन को, इस तरह की भी चीज़ों को हम प्रमोट कर रहे हैं इस चैनल पर. तो आपको फ्यूचर में या कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लेसन्स मिलेंगे और आप उसे सीख सकते हैं. लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर आज गाइड करना चाहूँगी कि आप अपनी इंग्लिश राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ ज़रूर किया करें. आप ऐसा करें, आप इसको सीखना शुरू कर दें, ये वेरी इम्पोर्टेंट है. जब हम ये चीज़ सीखते हैं तो इसके साथ हम, फॉर एग्जांपल ये हमने किया तो इससे बनता है ए, ठीक है, और ये हमने किया है तो इससे बी बनता है और ये सी है और ये भी है. ये हम स्टूडेंट्स को अक्सर सिखाते हैं. आप इंग्लिश लाइन जब लगाते हैं, इंग्लिश लाइन में हम इसको वेरी सिंपल, वेरी इजीली सीख सकते हैं क्योंकि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. इंग्लिश नोटबुक को अगर हम यूज़ करें रोज़ाना के उसके ऊपर राइटिंग करें तो ये चीज़ जो है इंग्लिश लाइन पर हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं. इसको हम प्रैक्टिस में जब लेते हैं तो ये हमारी इंग्लिश राइटिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है. और इससे जैसे ए बन गया और ये बी बन गया और ये सी और ये डी. तो इस तरह भी हम ए बी सी को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं. ये जो टीचर्स होते हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं उनको ये गाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको बड़े अच्छे तरीके से सीख सकते हैं. आप इस चीज़ को रोज़ाना अपनी प्रैक्टिस में रखें, आप इसे ज़रूर, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और आप ज़रूर इसे सीखेंगे. और आप ज़रूर इस वीडियो को अगर आपको पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को व्यू करते रहिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी फीडबैक भी दीजिएगा. गॉड ब्लेस यू.